नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो ज्ञान में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका से वशीकरण कैसे हटाएं। तो दोस्तों, ज्योतिष के नए नए उपाय मंत्र टोटके जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो ज्ञान को और साथ ही दिए गए बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली कोई भी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, वशीकरण से छुटकारा कैसे पाएं? किसी के वश में आ जाने या वशीभूत हो जाने की स्थिति में व्यक्ति कई तरह से विचलित महसूस करता है। कुछ ऐसा लगता है कि जैसे उसकी आज़ादी पर किसी ने पाबंदी लगा दी हो और उस पर उसका ही नियंत्रण नहीं हो। न तो मन उसके वश में रहता है और न ही वो सही ढंग से काम कर सकता है। तो दोस्तों, वह सोचता कुछ है लेकिन और कर कुछ बैठता है। ऐसी दुविधा उलझनियाँ के दौर से गुजरते हुए हर इंसान परेशान हो जाता है, चाहे वो पति हो, पत्नी हो, प्रेमी हो, प्रेमिका हो या कोई भी हो। दोस्तों, ऐसे में उसका मन कहीं भी नहीं लग सकता, वो पूरी तरह से वशीभूत हो जाता है और उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है। तो दोस्तों, चिंता न करें, आज आप बिल्कुल सही जगह पर हो जहाँ पर आप वशीकरण के लक्षण और उसको कैसे दूर करें ये बिल्कुल आसानी से जान सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं वशीकरण के लक्षण क्या क्या होते हैं। दोस्तों, दिल और दिमाग पर एक ही व्यक्ति हावी रहना, हमेशा उसके बारे में सोचते रहना, किसी पर विश्वास नहीं करना, अंधविश्वास ही करना, हर समय क्रोध में रहना, बात बात पर भड़क जाना, भय युक्त सपने आना, डर से उठ जाना, अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन अशांति, तड़प और अधीरता रहना। तो दोस्तों, ये हमने कुछ वशीकरण के लक्षण बताए गए हैं और आइए जानते हैं इसकी काट कैसे करें, वशीकरण कैसे दूर करें। दोस्तों, एक साफ़ सुथरा पीला नींबू लेकर सिर से 21 बार वार कर चौराहे पर रखाएं, पीछे मुड़कर न देखें और न ही मार्ग में किसी से बात करें, सीधे अपने घर ही आए। आंकड़े का पौधा घर में रोपित करें और उसकी जड़ को गले में बांध लें, ऐसा करने से भी वशीकरण दूर हो जाता है। शुक्ल पक्ष के किसी भी बुधवार को 4 गोमती चक्कर अपने सिर के ऊपर से वार कर चारों दिशाओं में फेंक दें, आंखें नीचे करके वापस घर आएं, पीछे मुड़कर न देखें, दिशाओं की ओर ध्यान न दें। तो दोस्तों, ये हमने वशीकरण के उपाय लक्षण बताए गए हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो में जो कुछ बताया गया आपको ज़रूर समझ आया होगा। अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो तुरंत हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, हमारे पंडित जी आपको वशीकरण के लक्षण और उपाय के बारे में जानकारी बिल्कुल फ्री में बताएंगे। तो दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जरूर कर लें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, हम